भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक विधायक ने जनता पर सब कुछ छोड़ दिया है, वह उनकी विधानसभा से चुनाव लड़े या फिर नहीं। ऐसे ही विरले विधायक हैं मध्य प्रदेश के कटनी की विजय राघवगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय पाठक, जो कि इसके लिए जनता से वोटिंग प्रक्रिया करवाएंगे और उसके बाद ही वह तय करेंगे कि अगली बार विधानसभा चुनाव में उन्हें उतरना है या फिर नहीं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा ऐसा, विधायक पहले ही करा रहे वोटिंग प्रक्रिया, जनता से चुनाव लड़ने की जान रहे मंशा, कटनी की विजय राघवगढ़ का दुर्लभ नजारा, विधायक संजय पाठक ने शुरू की कवायद। कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा में विधायक संजय पाठक 21 से 25 अगस्त तक वोटिंग प्रक्रिया करवाएंगे, जिसके जरिए एक पर्चा उस विधानसभा के घर घर पहुंचाया जाएगा और इसमें जाना जाएगा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में उतरे या फिर नहीं। इसके लिए उन्होंने तय किया है कि यदि उन्हें 50% से कम वोट मिलेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगभग जितने गाँव उतनी मतपेटियाँ, उससे ज़्यादा मतपेटियाँ तैयार की, जितने पोलिंग बूथ उतनी मतपेटियाँ तैयार हो गई हैं। अभी आप लोग मतपेटियों की फ़ोटो भी लीजिएगा। मतपेटियों को बकायदा जिस प्रकार से प्रशासनिक तरीके से सील किया जाता है, वो सील करेंगे, चपड़ा लगाएंगे, उसमें लोगों के दस्तखत होंगे, अंगूठा होंगे, सब होंगे और इस सारी प्रक्रिया लाइव वीडियो में चलेगी, फेसबुक में, अन्य माध्यम से या चैनलों के माध्यम से लाइव चलेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। हर गाँव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी, कोई छूट न जाए किसानी के चक्कर में। कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी। प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा, सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको और इस प्रकार से 3-4 दिन तक मतदान चलेगी, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए। उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी और गिनती के उपरांत अगर 50% मतों में 50% से एक वोट भी कम मिला तो ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक संजय पाठक की कवायद की चारों तरफ चर्चाएं हो रही है और अन्य विधानसभा के मतदाता भी अपने विधायक से इसी तरह की प्रक्रिया कराने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, कटनी।